हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के जो टॉप एमसीक्यूज हैं उसकी बात करेंगे, और उसी का हम क्वेश्चन भी देंगे और आंसर भी बताएंगे आपको, और आपको 30 सेकेंड टाइम भी देंगे कि आप सोचकर आंसर दे सकें, या सोचकर आंसर आप अपने कॉपी में थोड़ा सा हिंट लिख सकें कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें जो है, हमने जैसा कि बोला है 30 सेकेंड टाइम मैं दूंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं उसके वो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। और मैं आपको वैसे आप लोग जानते भी होंगे, जो 3 टाइप्स का इंडिकेटर होता है, जो 1 होता है नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड 3rd इज़ द ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इसमें से बताइए, 30 सेकेंड टाइम जो है मैंने आपको दिया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, वनीला एसेंस। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर वनीला एसेंस होगा। क्यों? ये ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर वो होता है जो वेदर के अकॉर्डिंग, मतलब वेदर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब स्मेल जो होता है, स्मेल जो ऑल्फैक्ट्री होता है, स्मेल इसका चेंज होता रहता है। ये वेदर पे डिपेंड करता है, वेदर जैसा होगा, जैसे वेदर ज़्यादा अगर हॉट होगा तो मतलब उसका स्मेल आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इसमें से कौन सा एसिडिक होगा नेचर में। 30 सेकेंड में टाइम देता हूं आपको। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए लाइम जूस। लाइम जूस क्यों एसिडिक नेचर है, चूंकि ये लाइम से मतलब सिट्रस फूड से प्राप्त होता है। ये लाइम जो होता है, आप जानते हैं नींबू जो होता है, लेमनेड वगैरह, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जितने भी होते हैं सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टा टाइप का जो होता है उसमें होता है, और इसमें सिट्रिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस होते हैं इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसमें ये आंसर होगा इसका, और जो सिट्रिक एसिड का फार्मूला जो लोग जानते हैं, जो बच्चे, वो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर जानते हैं तो आई होप कि आप जानते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन द ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू। मतलब गार्ड ट्यूब का क्या रोल होता है इसमें, ये बताना है आपको। 30 सेकेंड में दे रहा हूँ टाइम। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है ये मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ये जो एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो गैस में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो क्लोराइड है ये ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ड्राइंग। ठीक है, ये सुखाता है, ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए ये जो मॉइस्चर निकलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। आपको फिर मैं 30 सेकेंड टाइम देता हूं।
चलिए इसका आंसर क्या होगा, लाइम होगा। क्यों? बिकॉज लाइम जो होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है डियर स्टूडेंट। क्यों ऐसा है? बिकॉज लाइम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ओके, लाइम इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड। इसके लिए मैं 20 सेकेंड टाइम देता हूँ, काफ़ी इजी भी है। कौन सा यूज होता है? 20 सेकेंड टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए इसका आंसर क्या होगा, एक्वारेगिया होगा। क्यों? आप एक्वारेगिया जानते हैं ना कि व्हाट इज एक्वारेगिया। एक्वारेगिया जो है मिक्सचर होता है किसका, HNO3 का एंड HNO3 और दूसरा HCl का। और इसमें डियर स्टूडेंट कंसंट्रेटेड ये होता है, CONC मीन्स होता है कंसंट्रेटेड। इसका क्या होता है एक्वारेगिया, इसका मिक्सचर होता है। इसकी वजह से क्या करता है ये गोल्ड को, मतलब डिजॉल्व करता है, डिजोल्यूशन ऑफ द गोल्ड के रूप में यूज होता है। ओके, एक्वारेगिया का डेफिनेशन भी आपको पता चल गया इसमें कि मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3 एंड द कंसंट्रेटेड HCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। आपको भी 30 सेकेंड टाइम देते हैं। ठीक है, इसमें इसमें क्या है, सिट्रिक एसिड इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। मतलब ये एडिबल जो होता है, एडिबल मतलब जो खाने योग्य होता है, एडिबल एसिड होता है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं। डियर स्टूडेंट, सारे चैप्टर्स के MCQs हमने बना रखा है, सारे चैप्टर्स के MCQ हमने बना रखा है, उस पर MCQs जाकर देख सकते हैं। और जो भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं वो MCQs हम लेकर आ रहे हैं, हम प्लेलिस्ट दे देंगे, आप नीचे मतलब जाकर देख सकते हैं, या जो ये वीडियो जहाँ से चलेगा वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अब बताइए इसमें 20 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा। विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, ओनली 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम अप। इसमें अब इसमें बेस कौन सा नहीं है, इसमें C2H5OH। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं है आप जानते हैं ना, ये देखिए इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें देखिए ये क्या है, इथाइल एल्कोहल है, इट इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ बेस, ये बेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इथाइल एल्कोहल है, इथाइल। ठीक है, आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप का ये है, ओके, OH है अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, बताइए। इसके लिए 20 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा, केवल 20 सेकेंड। चलिए टाइम अप हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक होता है, ये क्या होता है, एक जो गैस्ट्रिक जूस होता है एसिडिक होता है। और एसिड आप जानते हैं कि ये pH जो स्केल होता है, pH स्केल में जो कम होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो कम होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, जो अधिक होगा वो बेस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी प्रॉपर मैं मतलब टाइम बाउंड चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका मतलब टाइम वेस्ट हो या कुछ हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ बेस्ट से बेस्ट मतलब जो प्रैक्टिसेज हैं आप कर लें और अच्छे मार्क्स आपके आएँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, मैं 20 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा सी होगा, बेसिक।
जो टूथ डिके होता है मतलब जो प्रोटेक्ट करता है इसके लिए, इसलिए हम जो टूथ पेस्ट होता है वो कॉमनली बेसिक होता है, जो टूथ पेस्ट होता है कॉमनली बेस होता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड आएगा, जो एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, सॉल्ट बनाएगा, उससे हमारा टूथ डिके नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप देख सकते हैं। आज तो पहले ये थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, वाटर का पीएच स्केल क्या होता है? 7 होता है। आपको पता है ना, एसिड होता है ना, ये बेस होता है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, चूँकि तीन ही का ये बता रहा है, एसिटिक बता रहा है, हाइड्रोक्लोरिक बता रहा है, तो आपको ये भी हिंट दे दे रहा हूँ। एसिटिक जो है ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, और जो हाइड्रोक्लोरिक है ये स्ट्रांग एसिड है। अब तो बता ही सकते हैं आप लोग, बस 20 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ, मेन हिंट आपको दे दिया हूँ। इसमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सोच लो आप। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। मैंने बताया ना, जो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वाटर का कम है, उसके बाद वीक एसिड है, उसके बाद स्ट्रांग एसिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज, कैसा नेचर होता है उसका? 20 सेकेंड टाइम। ठीक है, टाइम अप। इसका भी बेसिक ही नेचर होता है। ठीक है, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बेसिक नेचर होता है, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, वीक एसिड का सॉल्ट है। ओके, वीक एसिड का सॉल्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बताइए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन को मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन मतलब कौन और किसका फर्स्ट आता है कमेंट। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप लोगों का मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स क्या है। तो इसका सोल्यूशन आप मतलब कमेंट बॉक्स में देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो आप कहेंगे मैं बताऊंगा अभी। ओके, 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप लोग। 20 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो पीएच वैल्यू मोर देन 7 रखता है। ठीक है, जो बेसिक होता है आपको पता है ना, ये 7 न्यूट्रल होता है, और इससे जो जो कम होता है, इससे 7 से जो कम होता है इधर, तो ये क्या होता है? एसिड होता है। जो इधर होता है बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्यों? ये कंडीशन आपको अभी मैं बताया हूँ कि जो टर्न्स करता है रेड लिटमस टू ब्लू, जो भी रेड लिटमस टू ब्लू करता है वो क्या होता है? तो बेस ही होता है। अब ब्लू टू रेड करेगा तो एसिड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द मेडिसिन इज द यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। 20 सेकेंड टाइम। इसमें क्या होता है? चलिए टाइम अप। आंट एसिड होता है। ठीक है, आंट एसिड, तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है? जो ड्यू टू एक्सेस ऑफ द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, ये इसके कारण होता है, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, एक्सेस एसिड स्टमक में, उसके कारण होता है। ओके, आई होप आपने समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो बताइए द सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, द सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ, बताइए। अभी स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस, आप बताइए कॉम्बिनेशन किसका होगा ये? द
टाइम अप हो गया, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, वीक एसिड होगा एंड स्ट्रांग बेस होगा, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट आप समझ सकते हैं। तो एन ए क्या होता है, NaCO3। ओके, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस होता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 यही है ना। ओके, आप लोग बताएंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप। इसका क्या होता है, वॉशिंग सोडा में भी यूज हो सकता है एंड हाँ बेकिंग सोडा में भी यूज हो सकता है, खाना जो होता, खाने के रूप में जो होता है ना, कि बहुत अच्छा ये है कि जो भी होता यूज होता है, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, मतलब कई जगह इसका यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17, 22nd टाइम। देखिए जो टाइम अप है, बेकिंग पाउडर जो होता है ये किसका होता है, मिक्सचर क्या होता है, बेकिंग सोडा का और मतलब एडिबल एसिड का होता है। एडिबल एसिड होगा ये बेकिंग सोडा, जो मिक्सचर होता है ये बेकिंग सोडा का होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है, पाउडर जो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का होता है और एडिबल एसिड का होता है जो खाने योग्य होता है। इसमें से कौन सा एडिबल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक तो ये तो खाते नहीं है, ठीक है, एसिडिक भी ऐसा कुछ है, सल्फ्यूरिक, डेंजरस, टार्टरिक एसिड हो सकता है, ठीक है, टार्टरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट आपने काफ़ी इंजॉय किया इस सेशन को। डियर स्टूडेंट यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें। हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और ज़्यादा अब क्या मैं कहूँ इसके बारे में। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर 4th मार्च 2020 एग्जाम के लिए जो साइंस का पेपर है।